दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस इन्फो पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियन एयरफोर्स की रैली हो रही है 10 से 19 दिसंबर, उसका जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो और भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो तीन चीजें जिसका आप ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फॉर्म फिल करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि कितनी भी बिजी आपकी वेबसाइट चल रही है, आपका फॉर्म पक्का फिल हो जाएगा 100%। आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप एयरफोर्स रैली का फॉर्म भरना चाहते हैं अच्छे से, तो इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, और फिर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, जो ये रैली की डेट एक्सटेंड हुई है वो किस किस जगह पे हुई है और क्या टाइमिंग इसकी होने वाली है। तो एक साइक्लोन निवार है दोस्तों, इसकी वजह से जो टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज हैं वो थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी, तो इसकी वजह से पुंडिचेरी में जो रैली की डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। और साथ ही साथ जो और भी रैली हैं कमिंग, जैसे भोपाल और कानपुर, बिहार, इन सब की रैली भी एक्सटेंड कर दी गई है। जो आपकी पुंडिचेरी की रैली है दोस्तों, वो जो एक्सटेंड की गई है वो 5 बजे तक की गई है, 30 नवंबर 2020 तक। और जो बाकी जो रैलीज हैं भोपाल की, कानपुर की, बीता की, दिल्ली की, वो एक्सटेंड की गई है 5 बजे तक, 29 नवंबर 2020, यानी आज शाम 5 बजे तक। यानी आज शाम 5 बजे तक आप इस रैली में, अगर आप इस जगह पे हैं भोपाल, कानपुर, बेहता या फिर दिल्ली में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं आज शाम 5 बजे तक। या फिर अगर आप पौंडीचेरी में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं 30 नवंबर 2020 शाम के 5 बजे तक। तो अब बात कर लेते हैं वो तीन चीज क्या आपके ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप फॉर्म अपना कंप्लीटली अच्छे से फिल कर सकें। कल की मेरी वीडियो देख के काफी बच्चों ने फॉर्म फिल किया और काफी ने पर्सनली मुझे मैसेज करके पर्सनल नंबर पे थैंक भी कहा कि सर आपने हमारी हेल्प की। और मैंने भी बहुत बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लैपटॉप से अपने फोटो एक निकाली है जिसमें मैंने एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है। ऐसे कई बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी किया था, बच्चों ने काफी थैंक्स किया है, तो उनको धन्यवाद पहले। और चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहो दोस्तों, मैं आपको नई से नई ट्रिक्स बताऊंगा और आपको हर एक रैली भर्ती का अपडेट बताता रहूंगा। तो चलिए उन तीन बातों का ध्यान जिसका रखना है वो उसकी बात कर लेते हैं अब। तो दोस्तों, पहली चीज है कि आप अच्छा सा ब्राउजर सेलेक्ट करें। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यूज कर लेते हैं मोजिला फायरफॉक्स या फिर क्रोम यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं किसी का प्रमोशन तो कर नहीं रहा, इसलिए मैं कोई आपके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये यूज करें। लेकिन आप गूगल पे सर्च करें कि टॉप ब्राउजर कौन से हैं इंडिया के, उन टॉप ब्राउजर में से आप चूज करें। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड तो अच्छी होती है, लेकिन आपके ब्राउजर अगर अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट जल्दी खुलेगी। तो ये पहला रीजन है, अगर ये आप यूज करेंगे अच्छा से अच्छा ब्राउजर, तो आपका फॉर्म फिल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। और दूसरा बात करें कि बच्चे क्या करते हैं कि वो सीधा गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं CASP और वो होम पेज पे चले जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है कि सीधा आप जो भी सरकारी रिजल्ट जानते हैं, जागरण जोश जानते हैं, उस पे आप जाइए। और उसमें जो आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगी वो डायरेक्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपका एक जो दो है वो प्रोसीजर रुक जाएगा और आपका सीधा आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे जहां आपको फिल करना है। ना कि आप पहले होम पे जाएंगे, उसके बाद रैली पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको बहुत झंझट होता है, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करें तभी आपका सीधा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों बता देता हूं आपको, उससे पहले आप प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। तो तीसरी और फाइनल जो बात है दोस्तों वो है कि आपको पेशेंस रखना है पहले। ये नहीं कि आपको बार बार वेबसाइट को क्रॉस कर देना है, आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको बार बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से क्या फायदा होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो रिलोड बार बार होती है और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, और बाकी लोगों की कंटिन्यूटी नहीं बनेगी क्योंकि वो क्रॉस कर देते हैं। तो आपकी कंटिन्यूटी बनेगी तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। तो ये मेन बात थी कि आप रिफ्रेश करते रहें और वेबसाइट को छोड़े ना, ये ना कि आप क्रॉस करते हैं तो उसकी वजह से आपकी कंटिन्यूटी बिल्कुल टूट जाती है दोस्तों, तो इसकी वजह से आपका फॉर्म आने में और डिले होता है। तो दोस्तों, ये तीन बातें अप्लाई करें और प्लीज आज शाम 5 बजे तक टाइम है तो फॉर्म भर लीजिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इन तीनों बातों में से एक भी बात अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपसे मैं कल फिर मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।